है जिसका कि अनुमान है खोई हुई वस्तुएं बहुत कोफ्त होती है। जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु किसी दिन अचानक खो जाए, खो जाना संकेत है इस बात का कि चीजों को नहीं रखा गया महफूज, संभालने में लापरवाही बरती गई, अनुभूतियों के स्तर पर सतही तौर पर महसूस किया गया उसे, गाहे बगाहे कमतर आका गया, उसके प्रति गंभीरता में आई कमी, सजगता में लगाई गई सेंध, सहेजने में किया गया नज़रअंदाज। प्रिय वस्तु के खो जाने पर हम हो जाते हैं परेशान, बेहद परेशान, क्योंकि बड़ी तकल्लुफ और जोरों आजमाइश के बाद ही तो वह चीज़ मुनासिब हुई थी। फिर उसके होने पर लंबी फहरिस्त बनाते हैं, उसकी उपयोगिता और प्राथमिकता को लेकर उसके होने और गुम होने के दो छोर पर हमारा मन निर्बाध गति करता है, सरल लोलक के पिंड की तरह। आम तौर पर ऐसा कम ही हुआ है कि खोई हुई चीज़ें पुनः मिल जाए, जब तक कि उस राह से कोई गुजर ना गया हो। प्रिय चीज़ों का खो जाना प्रायः हमारा भी खो जाना होता है, चीज़ों का ख़त्म होना उसकी अनिवार्य परिणति है, जबकि खोना भूल चूक का परिचायक। महंगी चीज़ प्यारी ही हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन हर प्यारी चीज़ जिसके लिए होती है प्यारी उसके लिए महंगी होती ज़रूर है। इसीलिए महंगी और प्यारी चीज़ों में हमेशा एक द्वंद्व बना रहता है। कुछ इसी तरह एक लंबे सफ़र पर चलते हुए मेरी एक सबसे अधिक प्रिय चीज़ कहीं गुम हो गई। मैं बहुत नाखुश हूँ अपनी गलतियों से कि मैं कैसे उसके प्रति इतना लापरवाह हो गया, जिसका खामियाजा मुझे उसे खोकर चुकाना पड़ा। डर भी बहुत है मुझे कि कहीं राहगीर की कोई नज़र उठा ना ले उसे, यूँ ही सरे राह चलते चलते।